शायद हम कुछ बेहतरी की ओर अब हम जा सकते हैं। होमोफोबिया ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, अभी अब रोज ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। हम भी हमारा पार्टनर चुन सकते हैं, हम भी मैं भी उसके साथ अपनी लाइफ पूरी लाइफ जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, थैंक यू सो मच सुप्रीम कोर्ट। जो लोग कानूनी मान्यता और समाज में बराबरी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए ये ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में 2 वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फैसला हम दे रहे हैं वो सबके हक के लिए है और LGBTQI कम्युनिटीज को पूरे हक हासिल करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। यौन रुझान पर रोक संवैधानिक अधिकारों का हनन है। समय के साथ कानून में बदलाव जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद LGBT एक्टिविस्ट को अब लगता है कि समलैंगिकता से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी बहस शुरू होगी। होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, उन्होंने इक्वल राइट्स दे दिए, वहाँ पर तो मैरिज इक्वालिटी भी है। मेरे जो पति हैं वो एक्चुअली फ्रेंच हैं और वहाँ पर लीगल है, तो अब नाउ इट्स बेटर बिकॉज नाउ इन इंडिया आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम राइट, आई ऑल्सो वॉन्ट माई मैरिज टू बी रेकनाइज। क्या हुआ, मेरी शादी हुई थी वहाँ पर फ्रांस में, धरती फटी नहीं आई ना। कोर्ट के फैसले पर RSS ने बयान जारी करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह हम भी इसको अपराध नहीं मानते। समलैंगिक विवाह और संबंध प्रकृति से सुसंगत और नैसर्गिक नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार के संबंधों का समर्थन नहीं करते। भारत का समाज भी इस प्रकार के संबंधों को मान्यता नहीं देता। इस विषय को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही संभालने की आवश्यकता है। कांग्रेस भी कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन नहीं कर रही। वेलकम की बात नहीं है ये, मतलब डिसअप्रूवल की भी बात नहीं है। इसमें हमारा सोसाइटी में इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी है, तर्क है, आलोचना है, तो ये सारे चीज को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट फैसला किए हैं। तो इसके बाद अगर हमारी सरकार की तरफ से अगर इसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए समाज को दूसरे वर्ग की मानसिकता को मद्देनजर, तो सरकार खुद फैसला करेगी और हमारा पार्लियामेंट में लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ समुदाय को उनका हक तो दे दिया है, लेकिन क्या समाज भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगा? कुछ देशों में एक ही सेक्स के 2 लोग शादी भी कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में भी इसकी इजाजत मिलेगी? समलैंगिकता को लेकर भारत में राय जिस तरह 2 खेमों में बंटी हुई है, उसको देखकर तो लगता है कि समलैंगिक लोगों को सामाजिक मान्यता हासिल करना मुश्किल होगा। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक लोगों के प्रति समाज अपना नजरिया बदलेगा?